यकीनन सब तरह की तारीफ सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, दरूद और सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे भाइयों, आज के खुतबे में हम दुनिया में और इंडिया में जो मौजूदा हालात हैं उनके ताल्लुक से इंशाल्लाह कुछ बातें देखेंगे और उनसे इबरत और नसीहत हासिल करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मैं आज दो मौजुओं पर इंशाल्लाह बात करना चाहता हूँ। पहला मौजू होगा जो रशिया और यूक्रेन की जो जंग चल रही है, वो जंग से हम इस्लामी नज़रिए से जब देखते हैं तो हमें क्या क्या इबरत और नसीहतें मिलती हैं, जो हमें सीखना चाहिए, इबरत हासिल करनी चाहिए, क्या नसीहत हासिल करनी चाहिए, तो हम पहले इंशाल्लाह मौजू में ये देखेंगे और दूसरा इंडिया के कुछ बाज़ हालात से क्या हमें नसीहत हासिल करना चाहिए वो सीखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम यूक्रेन और रशिया की जंग के ताल्लुक से देखते हैं। मेरे भाइयों, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जिस तरह से एक अमन था कई साल से, वर्ल्ड वॉर टू के बाद से, यूरोप में, यूरोप की बात कर रहे हैं, तो वो सडनली वो अमन उन्हें अमन डिस्टर्ब दिख रहा है। अब इसमें हम सब के लिए नसीहत की बात क्या है, जो बाकी की दुनिया जहां आज भी अमन है, तो सबसे पहले तो हम उस अमन की वैल्यू समझें कि अल्लाह ताला ने जब हमें सुकून और अमन के साथ, अपने जान और माल की हिफाजत के साथ ज़िंदगी बिताने का मौका दिया है, तो क्या हम पे कुछ बनता नहीं है? क्या हमें फिर कुछ करना नहीं चाहिए आम लोगों से ज़्यादा? क्या हमें कोई हक उसका अदा नहीं करना चाहिए? जो हमें अमन मिला, अमन वाली ज़िंदगी मिली, तो बस ऐश आराम में लगेंगे। और इंसान का मामला ये है, थोड़ा सा उसे ढील मिल जाए ना तो ऐश आराम में लग जाता है, थोड़ी सी पकड़ होती है तब जाके रोने लगता है अल्लाह के सामने। तो समझदार इंसान वो है जो अपने आप को अपने अंदर एक एहसास लाए, अपने एहसास के साथ जिए कि अल्लाह ताला ने मुझे जो मौका दिया है उसमें अब मुझे अल्लाह की और इबादत करनी चाहिए, अल्लाह के दीन की खिदमत करनी चाहिए, हक का पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहिए, मुझ पर यह बनता है क्योंकि अल्लाह ने मुझे अमन जैसी दौलत दी है। देखो, ये दौलत ऐसी है ना, पैसे से भी खर्चा करके नहीं मिलती है। बड़े बड़े मालदार लोग हैं जो परेशान है, लेकिन हम देखते हैं कि आज पैसा खर्च किए बगैर हमारे पास जो एक दौलत है, अमन की दौलत, उसको हमें इस्तेमाल क्या करना चाहिए, किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए? क्या आज जैसे हमारे बाज़ नौजवान गेमिंग में लगे हुए हैं इसलिए अमन की दौलत मिलती है, या बाज़ लोग ऐशो आराम और इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, इसमें लगे हुए, ये है क्या ज़िंदगी का मकसद? तो मेरे भाइयों, जब अमन अल्लाह ने दिया उसका एहसास होना चाहिए, उसके ताल्लुक से फीलिंग के साथ में एक इंसान को उसका अच्छा इस्तेमाल करने सोचना चाहिए। ये सबसे पहली नसीहत है जो हमें मिलती है। और इस बारे में हम ये देखते हैं कि इसका अच्छे इस्तेमाल में एक हदीस हमें मिलती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इग्तनिम खमसन कबल खमसिन, पांच चीज़ों को गनीमत समझो इससे पहले कि पांच दूसरी चीज़ें आ जाए, पांच दूसरी चीज़ें आने से पहले पांच को गनीमत समझो। अब बताने का मकसद ये है कि सिर्फ पांच ही नहीं बल्कि ज़िंदगी में सोच ये हो कि जो चीज़ है इससे पहले कि वो चले जाए उसको गनीमत समझो, मतलब अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लो, उसका अच्छा फ़ायदा उठा लो, उससे कुछ फ़ायदा उठा लो। ये नसीहत है हम सब के लिए। तो ज़िंदगी को मौत से पहले, बीमारी को, सेहत को शिफा से, बीमारी से पहले, जवानी को बुढ़ापे से पहले, फारिग वक्त को मशगूल हो जाने से पहले, माल को गरीबी से पहले, लेकिन सोच क्या है, कोई चीज़ है इससे पहले कि वो चले जाए उसका अच्छा इस्तेमाल कर लो, ये हो गई पहली नसीहत। दूसरी नसीहत मेरे भाइयों हम सब के लिए ये है कि जिस तरह से हम क्या देख रहे हैं आज यूरोप के अंदर, जो इस्लामिक सेंटर्स हैं, जो इस्लामिक इदारे हैं, मसाजिद के ग्रुप्स हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, इटली के सारे इस्लामिक सेंटर्स ने ऐलान निकाल दिया। क्या ऐलान निकाल दिया? कि ये जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं, शरणार्थी, ये रेफ्यूजीज जो आ रहे हैं वो कहते आओ हमारे सेंटर्स में, आओ पनाह लो, हमारी मस्जिदों में आओ रहो तुम। तो हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा होता था कि लोग आते थे, जैसे आप देखते हैं कि नजरान के यहूदी आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने, तो कहाँ रहे थे? मस्जिद में रहे थे, मस्जिद नबी में। यहाँ तक आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमामा बिन उसाल जो कैदी को भी बांधा था, सही बुखारी की हदीस है, तो कहाँ बांधा था? मस्जिद नबी में बांधा था, ताकि वो मस्जिद में बंधा हुआ है तो मुसलमानों को भी देखे, इस्लाम का भी तारुफ मिले। तो हम देखते हैं कि ये यूरोप के सेंटर्स ने एक मिसाली किरदार यहाँ पर अदा किया, और हकीकत में मुसलमान तो होता ही वो है कि किसी की मुश्किल में काम आए, कि कोई मुश्किल में हो तो काम आने वाला शख्स होता है मुसलमान, क्योंकि हम रहमतुल आलमीन की उम्मती, हमारे नबी कौन है? रहमतुल आलमीन, सारे आलमीन के लिए रहमत है, सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं। तो ये किरदार हम देखते हैं, ये हमारे लिए नसीहत है। देखो, हम तो ना पनाह देने वाले हैं ना लेने वाले, हम तो बाहर दूर से बैठ के देख रहे हैं, लेकिन नसीहत तो हासिल कर सकते हैं कि हमें भी ऐसा होना चाहिए, किस तरह कि कोई भी मुश्किल में होना तो हम है, क्योंकि वहाँ मिलियंस ऑफ लोग निकले हैं घरों को छोड़ छोड़ कर, अपने घर प्रॉपर्टी सब छोड़कर, और वहाँ पर बहुत ठंडी का माहौल है, अभी जो है स्नो स्टॉर्म वगैरह का माहौल चल रहा है, वो हालत के अंदर जब लोग निकले हैं तो कोई उसकी मदद करे तो क्या अल्लाह उसकी मदद नहीं करेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरहमो मन फिल अर्ध यरहमकु मन फिस समा, ज़मीन वालों पे तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो ये दूसरी नसीहत हम देख रहे हैं। देखो, याद रखो मेरे भाइयों, हम सब कोई चीज़ में अगर नहीं भी होता है ना
और दिल की जब एक नियत होती ना कि अगर मैं भी वहां होता ना जरूर मैं भी कुछ तो करता, तो ये हमें एक एटीट्यूड मिल रहा है। दूसरी चीज, तीसरी चीज मेरे भाइयों, एक चीज जो हमें दिखाई दे रही है कि बाज लोग दुनिया में ऐसे हैं जो जंग सुलगाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनकी कोशिश ये होती कहीं ना कहीं कोई बड़ी जंग चलती ही रहे, और यही कोशिश होती है उनकी। वॉर मॉन्गर्स होते हैं, बाज लोग ऐसे होते हैं जो चाहते जंग चले। क्यों चले? उनके हथियार बिकेंगे, उनकी पर्टिकुलर टाइप की पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स उस तरह से चलेगी। अब अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया यहूदियों के ताल्लुक से कि अल्लाह ताला फरमाया कुल्लमा औकदु नारल लिलहर्बी अतफाहल्ला, जब जब वो आग, जंग की आग, हर्ब यानी जंग की आग भड़काते हैं, अल्लाह वो आग को सुलगा देता है। मतलब बहुत सारी उनकी आग और कोशिशें होती है, जंग भड़काने की बहुत सारी कोशिशें होती है, और अल्लाह ताला क्या करता है, उन्हें अतफाहल्ला सुलगा, उन्हें बुझा देता है। मतलब अल्लाह ताला उन्हें बुझा देता है, जो सुलगाते हैं उसे अल्लाह ताला बुझा देता है। और ये हकीकत है, आज फिर ये हो रहा है। अब ये एक जंग की बहुत बड़ी आग भड़की है, और जो लोगों को एहसास नहीं हो रहा है ना, ये हकीकत में ये बहुत बड़ी जंग की आग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तरफ एक मजलूम कौम और नेशन नहीं है, दूसरी तरफ ताकत वाली कौम, यहाँ पे दोनों तरफ ताकत वाले लोग हैं, और दोनों तरफ वर्ल्ड के सबसे बड़े पावर ब्लॉक्स हैं, हाँ दोनों तरफ। और ये एक ऐसी जंग है जो बड़ी होके थर्ड वर्ल्ड वॉर तक बन सकती है, एनी टाइम बन सकती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दोनों तरफ बड़े लोग हैं। तो कैसे है वो, उसको मैं आगे थोड़ा बताता हूँ। लेकिन तीसरा पॉइंट हमारे लिए है कि हम जो देख के सीख रहे हैं कि ऐसे जंग भड़काने वाले लोग होते हैं, और हकीकत में इंसानों को आगाह रहना चाहिए कि भाई हम इंसान अपनी ज़िंदगी अमन के साथ, सुकून के साथ गुजारे, अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचाने, ये असल चीज़ है। और ये सब जंगों से किस तरह से बचे, सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में हदीस है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला ततमन्नौ लिकाल अदू, के दुश्मन से जंग में मुलाकात की तमन्ना मत करो कि जंग करूं मैं, ये तमन्ना मत करो। वसल्लल्लाहु अलआफिया, अल्लाह से आफियत मांगो, अल्लाह से मांगो अल्लाह आफियत में रख हमें, ये अल्लाह से मांगो। हम अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह हमें ज़िंदगी आफियत में गुजारने की अल्लाह ताला हमें मौका दे, ताकि हम ज़िंदगी में और नेक काम करें। तो सल्लल्लाहु अलआफिया, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अल्लाह से आफियत मांगो। तो हम ये देखते हैं कि ये जो जंग भड़काने वाले लोग हैं, ये फिर से आज बड़ी कोशिश कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ी कोशिश हो रही है, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट मेरे भाइयों, ये सब चीज़ों में क्या मकसद होता है? अल्लाह ताला फरमाया कुरान में सूरे नमल में सूरा 27 आयत नंबर 80, तिलका दारुल आखिरतु, वो आखिरत का घर, नजअलुहा लिल्लदीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्ध वला फसादा, कि वो घर आखिरत का घर यानी जन्नत हमने उनके लिए बनाया है, ला युरीदूना उलुवन फिल अर्ध वला फसादा, जो जमीन में उलू नहीं चाहते, जमीन में बड़ाई नहीं चाहते, बड़ाई हमारी बड़ाई, हम बड़े, यही तो है ना इंसानों का गुरूर, इंसानों का एरोगेंस, बड़े होने का वो, हमारी कौम हमारे लिए और हमारी जमीन और बड़ी, हमारा मुल्क और बड़ा, हमारा पावर ऑफ इन्फ्लुएंस और बड़ा। तो उलुवन फिल अर्ध वला फसादा, जो ज़मीन में उलू नहीं चाहते हैं और ज़मीन में फसाद नहीं चाहते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने आखिरत का घर उन लोगों के लिए बनाया जो ज़मीन में उलू और फसाद नहीं चाहते। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये जंग के अंदर दोनों तरफ बड़े पावर ब्लॉक्स हैं। कैसे? कि जी रशिया ने जब यूक्रेन लिया है, और यूक्रेन नेटो में जाने की कोशिश कर रहा था, नेटो में अमेरिका और वेस्टर्न एलाइज है, अब वो लोग या तो खामोश रह के देखेंगे या तो जंग में उतरेंगे। क्योंकि मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ, 9/11 के बाद, जब 9/11 का ट्विन टावर्स बॉम्बिंग हुई थी, उसके बाद एक महीने तक अमेरिका जंग पे नहीं गया था, अफगानिस्तान जो गया एक महीने तक नहीं गया था, एक महीने तक मीडिया लान तान कर रही थी, बोले तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। फिर आखिर में एक महीने के बाद वो गया, जो प्लान का हिस्सा था। क्यों? क्योंकि मीडिया माहौल बना रही थी, मीडिया वहाँ से जहन बना रही थी पब्लिक का। क्योंकि डायरेक्टली पहले दिन अगर अमेरिका अफगानिस्तान पहुँच जाता था तो पब्लिक बोलती थी क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसी जंग क्यों कर रहे हो। एक महीने तक लान तान करके पब्लिक का जहन बनाया गया, बोले तुम्हारी ये गवर्नमेंट है ना कुछ नहीं कर रही। फिर फाइनली उसका करना जस्टिफाइड हो जाता है। तो ऐसे हो सकता है ये ऐसा पीरियड चल रहा है जिसमें वो जहन बनाया जा रहा है पब्लिक का कि ये सारी गवर्नमेंट्स कुछ नहीं कर रही है, वहाँ पर रशिया यूक्रेन के अंदर आ गई, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ताकि लान तान थोड़ा हो तो लोगों का खून खोले, आखिर में जाकर वो लोग आएंगे। ये एक प्लान स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, मजबूरी भी हो सकती है कि बड़ी जंग वो लोग सचमुच नहीं चाहते। तो नहीं भी चाहते तो क्या रशिया यूक्रेन में रुक जाएगा? क्योंकि दूसरी ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज है जो नेटो का हिस्सा बन चुकी, जो पहले रशिया फॉर्मर सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, तो वो यूक्रेन पर रुकने वाला है कि दूसरी कंट्री को टारगेट करेगा उसके बाद कुछ वक्त में? तो वो लोगों को भी वो फिक्र लगी होती है कि कहीं ये यहाँ तक रुकेगा या नहीं रुकेगा। तो दोनों तरफ बड़े पावर ब्लॉक्स हैं। तो हम ये देखते हैं मेरे भाइयों, ये सब जो होता है
इसमें क्या नसीहत है? कुरान की एक आयत है सूरह हज में, सूरह नंबर 22 आयत नंबर 40, अल्लाह ताला ने फरमाया वलौला दफ़ुन नासी बादहुम बिबादिन, अगर अल्लाह लोगों को बाज को दूसरों से दफा नहीं करता, मतलब अगर लोग कौमें एक दूसरे टकरा करके रुकती नहीं ना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग लहुद्दिमत तोड़ देते, क्या तोड़ देते, सिनगॉग्स तोड़ देते, वो लोग चर्चेस तोड़ देते, वो मसाजिद मस्जिदें तोड़ देते, यज़करू फी हिस्मुल्लाही कथीरा, जिसमें अल्लाह का नाम बहुत लिया जाता है, मतलब ये सारी इबादत गाहें लोगों की तोड़ देते, ये लोग, इंसानों का गुरूर और पावर जब बढ़ जाता है ना एक हद के आगे, तो इंसानों का क्या मामला है कि वो बढ़ जाते हैं ना एक हद के आगे, तो क्या करते हैं, अपने आप को ही सब कुछ समझने लगते हैं, खुद अपने आप को गॉड समझने लगते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अल्लाह की एक दूसरे से टकराते हैं लोग, टकराते हैं, और उसकी वजह से दुनिया में उस लेवल का जुल्म नहीं होता है। अब आप देखो वर्ल्ड वॉर टू में हकीकत में 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, बहुत बुरा हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या आपको पता है वर्ल्ड वॉर टू के बाद कितना, दुनिया का कितना बड़ा हिस्सा आज़ाद हुआ? वर्ल्ड वॉर टू के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, हाँ, और सारे जो यूरोपियन नेशन जो लड़ रहे थे, जो जीते और जो हारे, वो सब के जहाँ जहाँ कॉलोनीज थी वो सब के आज़ाद हुए। 54 स्टेट्स में से 51 आज़ाद हुए वर्ल्ड वॉर टू के बाद, 51 आज़ाद हुए, गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, कॉलोनीज थे वो, कॉलोनाइजेशन थी, और कॉलोनी में कितना बेरहम सलूक करते थे यही यूरोपियन नेशंस, जो आज तहजीब के उरूज पे अपने आप को समझते हैं, वो कितने बड़े जालिम थे वो, हाँ, इंडिया में किस कदर जुल्म होता था, याद है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारी कंट्रीज आज़ाद हुई क्यों, क्योंकि हालांकि वो जीते थे लेकिन उनका इतना नुकसान हो गया था कि वो अभी वो कॉलोनी संभाल नहीं सकते थे, तो ऐसा हमें लात मार के निकाला जाए, उससे अच्छा खुशी खुशी उनको आज़ाद कर दो, निकल जाओ, तो उन्हें इस तरह से निकलना पड़ा। तो अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम और निज़ाम रखा है दुनिया में। तो मेरे भाइयों, इसमें भी एक नसीहत है जो हमें मिलती है, इसमें भी एक चीज़ है जो समझनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि अच्छा हो रहा है, हम तो ये चाहते हैं कि जंगे ना हो, हम तो ये चाहते हैं अमन रहे, हम तो ये चाहते हैं भाई सुलह हो जाए, ये अगला पॉइंट है हमारा कि सुलह हो जाए। लेकिन समझने की बात क्या है कि ये कुछ चीज़ें होगी और उसमें अल्लाह का बहुत बड़ा प्लान होता है उसके पीछे, जो हम नहीं समझ सकते हैं। यहाँ बैठकर देख रहे हैं तो हमें कोई चीज़ बज़ाहिरन बुरी लगती है, लेकिन उसके पीछे क्या 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 रिजल्ट्स होते हैं वो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं, और ये अगला पॉइंट है, कि अल्लाह ताला ने बताया कि जब कोई जंग हो जाए तो उसमें सुलह की कोशिश होनी चाहिए, यकीनन, क्योंकि इंसानों का खून बहता है, इंसानों में बेचैनी बेअमनी होती है, और जो नसीहत हासिल करनी है वो हमें, हालांकि अमन के ज़माने में दावत के ज़रिए भी वो लोग वो नसीहत हासिल कर सकते हैं, गुरूर से बचना और गलत रास्तों से बचना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कुरान की आयत में फरमाता हूँ, कुरान की आयत में बताता हूँ, अल्लाह ताला कुरान में फरमाया है कि वइन जनहू लिस्सलमी फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह, अगर कोई जंग हो और सामने वाली साइड अमन चाहते हैं तो तुम भी अमन चाहो, वइन जनहू लिस्सलमी, अगर वो सलामती अमन की तरफ माइल हो जाए तो तुम भी वहां अमन की तरफ माइल हो जाओ, व तवक्कल अलल्लाह, और भरोसा अल्लाह पे कर लो। मतलब इस्लाम ने ये सिखाया कि सुलह अगर हो सकती है तो सुलह की कोशिश की जाए कि सुलह हो जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में प्रैक्टिकल मिसाल भी है कि हुदैबिया की जंग के अंदर क्या था, हुदैबिया के वक्त पे क्या हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पीस ट्रीटी बनाई मक्का के मुशरिकों के साथ कि कोई जंग अभी नहीं होगी, और ऐसे शरायत पर वो अमन का मुआहदा हुआ, ऐसे शरायत पर कि जिसके अंदर एक तरह की मुसलमानों के लिए एक तरह की ज़िल्लत दिखाई दे रही थी बज़ाहिर, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया। क्यों कबूल किया? क्योंकि वो अमन के अंदर खैर था। और हम क्या देखते हैं कि 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुई, 8 हिजरी तक मुसलमान इतनी तादाद में बढ़ गए, मक्का के मुशरिकों ने वो मुआहदा तोड़ दिया, आखिर में जाके फतेह मक्का हुआ 8 हिजरी, सिर्फ 2 साल के अंदर। तो अमन हमारे लिए बेहतर है, प्रोवाइडेड हम अपने ईमान पर कायम रहें, हम अपने दीन की दावत देते रहें। मेरे भाइयों, जो मुआहदा करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौसम और माहौल मिला था दीन की दावत का 2 साल तक, वैसा माहौल तो हमें अभी ऐसे मिला हुआ है और हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। तो हमें वो समझना चाहिए कि ये अमन कितना अहम चीज़ होती है। अगली चीज़ जो हम नसीहत के तौर पे सीख सकते हैं कि ये सब जो हो रहा है फाइनली, इसके अंदर एक आयत कुरान की है सूरह रूम की, सूरह 30 आयत नंबर 41, अल्लाह ताला ने फरमाया ज़हरुल फसाद फिल बर्री वल बहरी, फसाद ज़ाहिर हो गया है समंदर में, और फिल बर्री ज़मीन पर और समंदर में, ज़मीन पर भी समंदर में भी फसाद ज़ाहिर हो गया है, लियुज़ीक़हुम हाँ बिमा कसबत अयदीन्नास, इंसानों के हाथों की कमाई है।
ये जो फसाद जाहिर होता है ना, ये इंसानों के हाथों की कमाई है। लियुज़ीक़हुम, अल्लाह ताला फरमाए ये इसलिए ताकि वो चखे, बादुल्लज़ी अमिलू, जो वो काम करते हैं उसका कुछ हिस्सा चखे। जो फसाद जाहिर होता है ना ज़मीन पर आसमान में, ये तुम्हारे कामों का थोड़ा सा अल्लाह मज़ा चखा रहा है। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो लोग वापस लौट आए। मतलब क्या, यानी ये जो फसाद है इसके बाद अगर एक इंसान नसीहत हासिल करने वाला है तो वो अपने आप को सुधारे, वापस आए, सोचे ज़िंदगी का मकसद, अल्लाह ताला से जोड़े अपने आप को, ये असल चीज़ है। और ये सारी चीज़ों में नसीहत है हम सब के लिए।